बात करते हैं दोस्तों आज अपने इस वीडियो में सारेगामा पा के सैटरडे स्पेशल। इसमें कितने परफॉर्मेंस हुए, किसे मिला है हाईएस्ट स्कोर, कौन बना है परफॉर्मर ऑफ द डे और किस कंटेस्टेंट को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, सारा कुछ आज हम अपने इस वीडियो में जान पाएंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले करूँगा दोस्तों आप लोगों से अपील, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सारेगामा से रिलेटेड सारे वीडियोज मिलेंगे सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ प्रभात जागरण पर। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सैटरडे स्पेशल सारेगामा पा। धर्मेंद्र जी स्पेशल मेहमान के रूप में आए थे और उनकी मौजूदगी में कुल 7 परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले, जहां पहला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए नीलांजना रे आई और उन्होंने 2 खूबसूरत से गाने को परफॉर्म करके सबों का दिल जीत लिया, जहाँ पहला गाना अगर मुझसे मोहब्बत है और दूसरा गाना चलो सजना जहाँ तक घटा चले। दोनों ही गाने इतने खूबसूरत थे दोस्तों जिसे कि स्टैंडिंग ओविशन मिला था जजेस के द्वारा। वहीं धर्मेंद्र जी ने भी इनके गाने को सुनने के बाद में कहा कि तुम्हारे गाने को सुनने के बाद मेरा भी मन कर रहा है गाने को। बात करें स्कोरिंग की दोस्तों तो इन्हें कुल 100 का स्कोर मिला है। अब बात करते हैं अपने दूसरे परफॉर्मेंस की, जो रहा स्निग्धजीत भौमिक के नाम। उन्होंने भी 2 बहुत बेहतरीन से गाने को परफॉर्म किया, जहां पहला गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है और वहीं दूसरा गाना राफ्ता राफ्ता, जिसे देखने के बाद और सुनने के बाद सभी के सभी झूम पड़े, नाचने को मजबूर हो गए और साथ ही साथ हमारे जूरी मेंबर, जजेस, मेहमान, कलाकार सब के सब झूम पड़े इनके इस गाने के ऊपर में। बात करें स्कोरिंग की दोस्तों तो इन्हें कुल 100 का स्कोर मिला है। अब बात करते हैं अपने तीसरे परफॉर्मेंस की, जो रहा सरस शर्मा के नाम। और उन्होंने भी 2 बहुत बेहतरीन से गाने को परफॉर्म किया, जहां पहला गाना आया सावन झूम के तो वहीं दूसरा गाना मैं जट यमला पगला दीवाना। इस गाने को परफॉर्म करके मानो सारे गामा के स्टेज पर आग लग गई हो, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस सरस शर्मा का रहा, जिसे देखने के बाद सभी के सभी झूम पड़े इनके गाने के ऊपर में। वहीं धर्मेंद्र जी का जो अपना सिग्नेचर स्टाइल है दोस्तों, उस गाने पर उन्होंने भी डांस करके दिखाया। बात करें स्कोरिंग की तो इन्हें भी कुल 100 का स्कोर मिला है दोस्तों। बात करते हैं अपने चौथे परफॉर्मेंस की, तो चौथा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए संजना भट्ट आती हैं, जिन्होंने कि अब के सजन सावन में इस गाने को परफॉर्म किया और इनके परफॉर्मेंस को धर्मेंद्र जी ने बहुत जम के इंजॉय किया और काफ़ी आशीर्वाद भी दिया इन संजना भट्ट के परफॉर्मेंस को। बात करें स्कोरिंग की दोस्तों तो इन्हें कुल 96 का स्कोर मिला है। अब बात करते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की, जो रहा राजश्री बाग के नाम। उन्होंने भी 2 बहुत ही बेहतरीन गाने को परफॉर्म किया, जहां पहला गाना झिलमिल सितारों का और दूसरा गाना मैं तेरे इश्क में, दोनों ही इतने खूबसूरत से गाने थे दोस्तों, जिसे देखने के बाद सभी के सभी झूम पड़े और धर्मेंद्र जी मानो खो से गए हों। और उसके बाद उन्होंने इनकी कंपैरिजन लता मंगेशकर से कर दी कि आपका गाना सुनने के बाद बेटा मुझे लता दीदी की याद आ गई। बात करें स्कोरिंग की दोस्तों तो इन्हें कुल 98 का स्कोर मिला है। छठा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए अनन्या चक्रवर्ती आती हैं, तो धर्मपाजी उनसे बप्पी लहरी जी की याद में उन्हीं के गाने को परफॉर्म करने का रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद अनन्या चक्रवर्ती ने रंभा हो इस गाने को परफॉर्म करके एक बार फिर से सारेगामा पर तहलका मचा दिया। सभी के सभी जजेस, जूरी मेंबर, हमारे कंटेस्टेंट सब के सब नाचने को मजबूर हो गए इस गाने के ऊपर में, इतनी खूबसूरती के साथ में अनन्या ने इस गाने को परफॉर्म किया। बात करें स्कोरिंग की तो इन्हें कुल 100 का स्कोर मिला है दोस्तों। अगला और आखिरी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए दोस्तों सचिन कुमार आते हैं, जिन्होंने कि आज पुरानी राहों से, बहुत पुराना सा गाना है दोस्तों, जिसे कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ में परफॉर्म किया और इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद में शंकर महादेवन जी ने इनकी जम के तारीफ की है कि ऐसे गाने हमें बहुत कम ही सुनने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसे गाने को निभाना बहुत ही बड़ी बात होती है। वहीं बात करें धर्मेंद्र जी की तो उन्होंने भी जम के इनकी तारीफ की है। बात करें स्कोरिंग की दोस्तों तो सचिन कुमार का स्कोर नहीं दिखाया गया। तो कुल इस तरीके से 7 परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले दोस्तों, जिसमें कि संजना भट्ट का सबसे लोएस्ट स्कोर 96 रहा और वहीं नीलांजना रे, स्निग्धजीत भौमिक, सरस शर्मा और अनन्या चक्रवर्ती को 100 का स्कोर मिला है।
अब बात करते हैं अपने परफॉर्मर ऑफ द डे के। तो सभी 7 परफॉर्मेंस को देखने के बाद में हमारे जजेस ने स्निग्धजीत भौमिक को सेलेक्ट किया और जिन्हें की 100 का स्कोर मिला था और इनके गाने के ऊपर में धर्मेंद्र जी ने भी जम के तारीफ की थी। तो इस तरीके से कुल 7 परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस ऑफ द डे स्निग्धजीत भौमिक को बनाया गया। तो आज के अपने इस एपिसोड के दौरान में दोस्तों आपको किस कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन लगा और परफॉर्मर ऑफ द डे स्निग्धजीत भौमिक के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सारे गामा पा के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।